पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की गंधाईपुर गांव में रविवार को भीषण आग लग गई। घटना से ग्रसित हुए करीब 40 बेघर अग्नि पीड़ित परिवारों के गांव ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुबोध कांत सहाय पहुंचे, जहां सभी परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया, साथ ही उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। जैसे हमारे पास सूचना मिला, लोकल पदाधिकारी डीसी से लेकर डीडीसी डीओ सीओ सबसे बात करके तुरंत राहत पहुंचाया गया। दमकल विशेष का पानी जो निभाने के लिए उसी काम हम लोग किए, और जो है कार्यक्रम हम लोग का था जिसमें दिल्ली से हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी भी आए थे। उन्होंने भी इसके मुख्य रोग जगह गरीब के बीच में जाकर जिनका घर जल गया उसके बीच में जाकर उनसे बात करें क्या उनकी जरूरत है, थोड़ा देखे। पार्टी भी सहमति हुआ जो कुछ लोग पार्टी की तरफ से मदद भी करें और सरकार अपना मदद कर रही है, और ये लोगों का आश्वस्त मैंने हम लोग आश्वस्त भी किए हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो आवास योजना के तहत जो भारत सरकार 2023-24 का आवास तो बंद कर चुका, आप लोग सबको जानते हैं, जिसमें हमारा 50,000 रुपये करके देना था वो भी पैसा हमको लेफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग जो इस बात लिए है कि स्टेट लेवल से हम लोग घर लेंगे। तो इन लोगों का 32 लोगों का देखकर हम लोग अपनी ज़मीन है उसको घर देंगे, और इसी समय में यहाँ आकर हम लोग ने कांग्रेस पार्टी के आज हमारे बीच में हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और फुल्ट उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं क्यों निकालो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।